15 अप्रैल को रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा बीएड 2019 की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश में कुल 1216 केंद्रों पर 609,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिसमें गोरखपुर जिले के गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में 102 परीक्षा केंद्रों में 5,727 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसकी जानकारी देते हुए परीक्षा के नोडल अधिकारी प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षा दो पालियों में संपन्न होगी। प्रथम पाली 9 बजे से 12 बजे तक, दूसरी पाली 2 से 5 बजे तक संपन्न होगी। सभी परीक्षार्थियों को 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। इस दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर एसके दीक्षित, रजिस्ट्रार प्रोफेसर सुरेश चंद शर्मा, प्रवेश परीक्षा के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मनोज तिवारी, सहायक कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सच्चिदानंद पांडे, सहायक कोऑर्डिनेटर व एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी और एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया। छात्राओं की बहुत सुविधा होती है, छात्रों को भी सुविधा होती है और छात्रों को की ये प्रवेश परीक्षा है, जिसमें शहर में ये 15 तारीख को दो पालियों में संपन्न होगी, सवेरे 9 से 12 के बीच में और दूसरी पाली 2 बजे से 5 बजे के बीच में। इस बार क्योंकि बीएड में आवेदकों की संख्या लगभग 2.5 से 3 गुना बढ़ी है, इसलिए गोरखपुर शहर में भी केंद्रों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि परीक्षार्थी ज़्यादा हैं। लगभग 50,727 परीक्षार्थी गोरखपुर से बीएड की इस एंट्रेंस टेस्ट को दे रहे हैं। कुल 102 केंद्र यहाँ बनाए गए हैं, जो केंद्र सिटी सेंटर से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी तक जा रहे हैं। ये चौरी चौरा से लेकर के और सहजनवा तक और भटट से लेकर के और खजनी तक ये केंद्र फैले हुए हैं। विश्वविद्यालय में कुल 11 केंद्र हैं, इनको लेकर के 102 केंद्र हैं ये कुल। और दो पाली में संपन्न होने वाली इस परीक्षा के लिए जो भी रोहिलखंड विश्वविद्यालय से दिशा निर्देश मिले हैं, उनको यहाँ विश्वविद्यालय में बड़ी ही तत्परता से और सुनिश्चितता से उनको लागू किया गया है। और इस दिन 15 तारीख को होने वाली इस परीक्षा में उम्मीद है कि लगभग शहर में 90,000 से लेकर के 1,00,000 तक उस दिन लोग बढ़ेंगे, जिसके पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। और इनकी जो सिक्योरिटी संबंधी इस परीक्षा की सारी जिम्मेदारी हैं, उसका निर्वहन जिला प्रशासन की ओर से एडीएम सिटी श्री आर के श्रीवास्तव जी देख रहे हैं उसको, जो कि आज की इस पत्रकार वार्ता में भी मौजूद हैं। और 15 तारीख को ये परीक्षा संपन्न होगी। सर, महाविद्यालय जी, जो महाविद्यालय क्योंकि 102 केंद्र बनाने पड़े हैं, इसलिए शहर के बाहर भी जाना पड़ा है, तो वहाँ के जो केंद्राध्यक्ष हैं उनको आज बुलाया गया था और उनको ये निर्देशित किया गया है कि आप जहाँ पर मुख्य मार्ग से आपका रास्ता कट रहा है महाविद्यालय का, आप वहाँ पर एक फ्लेक्स अपना लगाएंगे, जिस फ्लेक्स पर उस महाविद्यालय का नाम और परीक्षा केंद्र का परीक्षा कोड का नाम, अनुक्रमांक कहाँ से कहाँ तक के परीक्षार्थी उनके यहाँ परीक्षा दे रहे हैं, और उनका एक प्रतिनिधि वहाँ पर भी खड़ा रहेगा, जिससे कि जो भी परीक्षार्थी आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको केंद्रों तक मुख्य मार्ग से वहाँ तक पहुँचाया जा सके। दो पालियों में परीक्षा होगी, सवेरे 9 से 12 और सायंकाल 2 से 5 के बीच में। परीक्षार्थी को केंद्र में परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले हर हाल में पहुंच जाना है। खासकर परीक्षार्थी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गोरखपुर पहुंचने के पश्चात उसको अपने केंद्रों तक पहुंचने के लिए लगभग घंटे भर का समय लग सकता है, 1.25 घंटे का समय लग सकता है, इसलिए वो समय के पूर्व यहाँ पर पहुँचे और अपने केंद्रों तक, जिससे वो समय से पहुंच सके। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले केंद्र के द्वार बंद कर दिए जाएंगे, जैसा कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय से निर्देश मिला है।
इस बार बीएड के परीक्षार्थी 50,727 परीक्षार्थी यहाँ गोरखपुर में विभिन्न 102 केंद्रों पर अपनी परीक्षा देंगे और ये इसकी भी ये संभावना है कि उनके साथ उनके गार्जियन भी यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ होंगी तो उनके गार्जियन वगैरह सब यहाँ आएंगे। तो अनुमानित भीड़ 90,000 से 1,00,000 के बीच में हम लोगों ने एक्स्ट्रा उस दिन गोरखपुर में आएगी। उसके लिए रेलवे अथॉरिटीज़ को और आरएम को, रोडवेज़ को, ये हम लोगों ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि उनके आने जाने की व्यवस्था के लिए जितनी बसों की आवश्यकता हो उसकी व्यवस्था कर ली जाए पूर्व से ताकि किसी प्रकार से उनको अभ्यर्थियों को उनके गार्जियन को दिक्कत ना हो। दूसरा रेलवे के लिए भी कह दिया गया है स्पेशल ट्रेन्स अगर चला सकें तो वो चलाएं, परमिशन लें, अगर वो संभव नहीं है तो कम से कम बोगीज़ बढ़ा लें ताकि आने वाले परीक्षार्थियों को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जो केंद्र के हमारे ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक हैं वो सब अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे और केंद्र प्रभारी जो यहाँ से मटेरियल लेके जाएंगे अपना एग्जामिनेशन का उनके साथ पूरी सुरक्षा रहेगी आने और जाने की। और बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पे और पब्लिक प्लेसेस पे पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी।